मजा आ रहा है यार. इट फील्स गुड यार, बिकॉज क्या था, डांसिंग इज माई पैशन, तो आई इन्जॉय डांसिंग. और अपने तरीके की डांसिंग मेरे को करे हुए ज़माना हो गया, तो अब बड़ा मज़ा आ रहा है करने को. बट मेरे साथ वो जैस्मिन है, उज लाइक बिग हेल्प टू मी, उज काइंड ऑफ जो मैं अंदर बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ तो वो काम कर रहा है बात. बट यस, कोरियोग्राफी मैंने कर दी है. मूवमेंट्स क्या है, डांसेस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो की है. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद, मुझसे कोरियोग्राफी होगी नहीं, तो जितना वक्त हो गया शायद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट मैंने मैनेज कर लिया. और मुझे ऐसी दिल कर रहा है कि मैं भी प्रभु देवा की तरह आगे भी अगली अगली पिक्चरों में एक गाना तो करूँगा. मतलब जितनी फिल्में कर रहा हूँ उसमें अगर एक आध गाना करने मिल गया तो मज़ा आ जाएगा. ये गाना जो है एक सीन से कनेक्टेड है, और वो ये गाने के पहले वो सीन होता है, वो सीन से सीधा ये गाना होता है, तो उसकी एक कंटिन्यूटी है कपड़े की. मैंने कभी फिल्म के गाने नहीं किए थे. मैं हमेशा वो, मैं इंग्लिश करता था, मॉडर्न जैज डांसिंग करता था और प्लेज करता था, इंग्लिश प्लेज करता था. मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी, वो रूप की रानी चोरों का, जिसके टाइटल जहाँ पे नाम जा रहे थे वो मैंने किया था. वो बिल्कुल अलग ही किस्म का डांस था. तो मैंने फिल्मों के गाने कभी नहीं किए. अगर आपके अंदर वो बात है, वो आप अंदरूनी अगर एक डांसर हो तो आप कोई भी स्टाइल पिकअप कर लेते हो, और जब आप में वो क्वालिटी है अगर एज अ डांसर, तो वक्त से फ़र्क नहीं पड़ता और स्टाइल से फ़र्क नहीं पड़ता, आप अडेप्ट कर लेते हो. तो मुझे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है. जो आज के दौर के डांस है मैंने उसी तरह कोरियोग्राफ किया है. ये फिल्म भी हमने जब सोचा था, जब मैंने सुनी थी इसकी कहानी, मुझे बड़ी प्यारी लगी, मुझे बहुत सिंपल लगी और बहुत ही स्वीट लगी ये कहानी. तो मुझे करना तो था और इसीलिए कर लिया. अब चले ना चले, या वो नहीं है कि अब मैं एक सोलो एक्टर हो गया हूँ. मुझे वो इस तरह की गलत फहमी नहीं होती. इट्स अ क्लीन फिल्म. आप अपने बेटे के साथ, माँ बाप के साथ बैठ के देखो, आपको कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि यार हम क्या देख रहे हैं इनके साथ बैठ के. इट्स अ क्लीन कट, साफ सुथरी, लवली स्वीट कॉमेडी, एंड आई होप पीपल लाइक इट.